हमारे YTF के लीडर्स खुरई बदल और यहाँ में और दो तीन हमारे दोस्त थे जिसको मैं पहले से जानता हूँ। मैं मंगल को जानता हूँ, मंगल हमने अपना है, पार्टी कोई भी हो अपना है, हुकुमबारा है। टिपरा साहब को पहले अपना भविष्य के बारे में, टिपरा साहब को वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है, चिबराए आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानी बसा कौन है? हम लोग पार्टी कुछ भी हानी प्रसाद कौन है? हम लोग तो हानी प्रसाद में हानी प्रसाद का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है। और उसके लिए वो बाबरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी तक तक फाइट कर सकता है, वो बाबरा है। जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया। हमारा रियान लोग भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुंगूर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगा दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, दो महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता, लेकिन इन्होंने दो महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 दिव्यांग परिवार को त्रिपुरा में 38,000 दिव्यांग लोगों को। जब कोरोना हुआ मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मौथा एबीसी में था, आज भी है मौथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहां में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ में 22 करोड़ ये खुमलुंग आए, इससे पहले मानिक सरकार खुमलुंग कभी नहीं आए, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो खुमलुंग आए, एंड आई थिंक लास्ट ओनली चीफ मिनिस्टर खुमलुंग आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहां में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिए, वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने। तो जिसके दिल में हम लोग तिपरासा के लिए प्यार है मैं उनके साथ काम करूं, जिनके लिए तिपरासा के दिल में प्यार नहीं है मैं उनको इज्जत दूंगा लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात हो, प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया, कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे, मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा की, लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने किया नहीं। आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में महाराजा वीरविक्रम के नाम में तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं, सीपीएम ने क्या दिया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब, सिर्फ टिपरासा को नहीं बंगाली को। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ, देखा तो अनेक मिक्स ग्रुप अच्छे अभी बांग्लादेश बोल रू, आज का अपना छेले काचे चाकरी नए, हमारे टिपरासा काचे चाकरी नए, सीपीएम कर ले, कांग्रेस कर ले, पार्टी कर ले कि चाकरी पावा जाए ना, डेवलपमेंट रखते हो देखते हो। मानिक बाबू छिलो 25 साल पूरा इंडिया का एक प्रोपेगेंडा আছে, উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগতই আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না। 25 সাল উনি 20 সাল উনি সিএম ছিল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি ওই গরিব মুখ্যমন্ত্রী কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী,
ঠিক আছে আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিব আপনি দেখেছেন। গরিব পেদা হোনা পাপ নেই হ্যাঁ, লেকিন গরিব রেহকর গরিব মরনা অন্যায়। আজ আপ দেখেঙ্গে, আজ আপ দেখেঙ্গে কি পুরা নর্থ ইস্ট মে সিপিএম কে রুল কে অন্দর সবসে গরিব আগর কহি ভি আপকো জনজাতি দিখাই পড়েগা তো ও ত্রিপুরা মে। আপ মেঘালয় যাইয়ে, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा है। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीन, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि हमें अपना अधिकार दो। अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो। लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता तो आप पूरा दिन एक झंडा लेकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करता। बुबाकरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको राजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं मैं आप लोग मीडिया से बात सुनते महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है, मीडिया इतने दिन तक हमारे विप्लव जी के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमका हमारा हुआ, क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास हो। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 MP मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा का लोगों को प्यार करता है, एक मेरा बहन है और एक विक्रम जी है। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में गुरु ही। और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा गुरु ही है, मेरा गुमान लोग, मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है, 9 महीना एक मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है। आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है, आप जानता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको कल स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं, उसको कौन से हॉस्पिटल में हम बच्चा को पैदा करें, उसका नौकरी क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में मां परवाह करता है। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन आप नौकरी नहीं करें, आपके अंदर लोग काम करें, आप किसी के अंदर काम ना करें, ये मैं चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी के लिए मैंने फाइट किया और फाइट करूंगा, प्यार से करूंगा, विनम्रता से करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं करूंगा, अच्छे लोगों को दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि हमको गुमराह किसने किया? सीपीएम और मेरा पार्टी, पुराना पार्टी कांग्रेस। मैं तो कांग्रेस में था, मेरे मां थी, मेरे पिताजी थे। मैं घटिया और सस्ता राजनीति नहीं करता। आज तक ना मैंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला, मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिसने
जूता खोलकर कांग्रेस का फोटो को थप्पड़ मारा था भवन में, मैं जानता हूं, आज वही वापस आकर बोल रहा है कि कांग्रेस अच्छा है। आपको अपना परिवार का अपना अपना आप फायदा देखते, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सीपीएम के संग जोड़ करके आपने हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, जो कांग्रेस का वर्कर उसको क्या किया? इतने लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आप सीपीएम को वोट नहीं करते थे तो वोट नहीं मिला, नौकरी नहीं थी, आप उम्र बढ़ गया नौकरी नहीं मिला। कितना हम लोगों का बुकुम भरा लोग आज भी जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से, और आज उन्हीं के संग आप हाथ मिला रहे। मैंने कमिटमेंट दिया था कि जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा मैं किसी के संग चूक नहीं करूंगा। राइटिंग में मिला तब मैंने बात की। इसको बोलता है दिमाग से काम कर। पैसे के लिए थोड़ा सा रंग मिल गया कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां में यंगस्टर्स लोग, यू आर ऑल यंग पीपल, डू यू बिलीव इन मुबारक? डू यू बिलीव? इफ यू डोंट बिलीव डोंट बिलीव, बट डू यू बिलीव इन मुबारक? हां कि नहीं? हमको सुनाई नहीं दे रहा। डू यू बिलीव? और मुझसे बोलो, डू यू बिलीव इन मुबारक? यस यस। आपने चाकू ही नहीं खाया ना, इसके लिए पेट खाली। Do you believe in Mubagra or not? Yes! और उसने बोलो, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ये काम अकेला Mubagra भी नहीं कर सकता, हमें हमारा फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देव का हेल्प चाहिए। Do you believe in विप्लव देख लिया ना? Yes, yes, yes. क्या हो रहा मुख्यमंत्री, आपने इनको कुछ खिलाया नहीं? बोले हाँ, अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने के लिए नहीं। Do you believe in us? एक दो हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? Yes. अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत लिखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भाई दी हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया, ना इंसाफी आपके साथ उसने किया जिसके संग आपने आज जोट बनाया है सीपीएम पार्टी। ये बात आप समझ लीजिए। यही मैं बोलकर आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप लोग दिल से दिमाग से और हिम्मत रखकर एक होकर थमसा रहेंगे, अपना अधिकार अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उसको रखकर आगे बढ़ो। हमारे साथ ईश्वर है, मां त्रिपुरा सुंदरी है, बाबा गरिया है, सुब्राय है, हमारे साथ सब है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा होगा। ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए, कप्लाय मुख्यमंत्री के कॉपर ऑफ बोले कप्लाय। थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे, ठीक है? और जिताकर दिल्ली में भेजिए, अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा। बेलाय बेलाय नो हम भाई खुलूखा तीसरा तोहफा आई लॉकडाउन तीसरा जाति आई लॉकडाउन पूरा त्रिपुरा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, मे ऑल ऑफ यू ऑलवेज स्माइल। Belai no hambai, kulukha.